हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक्वेरियस कुंभ राशि के लोगों के लिए सितंबर का महीना कैसा जाने वाला है। तो सितंबर के महीने में कुंभ राशि के लोग बहुत ही पेशेंस के साथ, बहुत ही अपनी स्ट्रांग विल पावर के साथ फोकस हैं अपने एक टारगेट की तरफ, जिसमें वो अपनी फैमिली को भी ध्यान दे रहे हैं और अपने बिजनेस या अपने करियर के ऊपर भी पूरा ध्यान दिए हुए। बहुत पेशेंस के साथ धीरे धीरे वो समझ रहे हैं कि हमारा काम होगा। किसी न किसी फीमेल की हेल्प भी मिल रही है और उनको सपोर्ट मिलने की और भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि हमें एक सही गाइडेंस मिल जाएगी। तो ओवरऑल हम बात करें तो उनका माइंडसेट कुछ इस तरह से है कि पूरी प्लेनेटरी पोजिशन हमें सपोर्ट कर रही है और हम जो चाहें वो पेशेंस रखकर धीरे धीरे समय के साथ पा ही लेंगे। तो बहुत ही अच्छा माइंडसेट है, बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं। साथ में उनको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है, किसी की भी बातों में नहीं आना है, रैश डिसीजन नहीं लेने हैं, क्योंकि रैशनेस बहुत जल्दी में अगर आप कोई डिसीजन ले लेंगे तो वो हार्मफुल हो सकता है। तो पहले सेल्फ एनालाइज करें, देखें चीज़ों को, कहाँ गलतियाँ हैं, कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और चाहे बेसिकली किसी और के सपोर्ट के बजाय अगर खुद ही एनालाइज करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि अपने मेबी के फूडी हैं तो खाने पर कंट्रोल नहीं हो पाएगा, या कुछ अल्कोहलिक है या अल्कोहल लेते हैं तो उसके कारण कोई हेल्थ इश्यू, मीन्स कि कोई भी चीज़ जो आपके कंटिन्यूटी में है, मे बी आप उसके थोड़े बहुत एडिक्टेड हैं, तो उससे कोई हेल्थ इश्यू अराइज हो सकता है। और मे बी कि कोई थोड़ी क्लैरिटी भी ना मिले, ऐसा लगे कि हाँ प्रॉब्लम तो रहता है, सेहत ठीक नहीं रहती है, बट क्लैरिटी निकल कर ना आए कि क्यों रह रही है, तो ये भी कारण हो सकते हैं हेल्थ में प्रॉब्लम आने के। रिलेशनशिप ठीक रहेंगे, थोड़ा सा रिलेशनशिप में अफेक्शन की जगह थोड़ा प्रैक्टिकल लेटर आ जाएगी, कि आप बहुत प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लेंगे, सही गलत में एनालाइज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि एनालिसिस के कार्ड्स आए हैं, बट उसको ओवर भी नहीं करना, बिकॉज रिलेशनशिप में फिर इश्यूज आ सकते हैं। चेंज ऑफ रिलेशन भी आ रहा है, मीन्स ऐसा नहीं है कि आप एक रिलेशन को छोड़ देंगे, सेपरेशन नहीं आ रहा है, बट कहीं ना कहीं अपनी गलतियों को या दूसरे की गलतियों को बहुत एनालाइज करने के कारण थोड़े टाइम के लिए थोड़ा मेंटली गैप हो सकता है। ओवरऑल देखें तो बहुत फोकस की ज़रूरत है। जो आपका माइंडसेट है कि मैं पेशेंस रखकर धीरे धीरे सब कुछ पा लूँगा या पा लूँगी, उसी के अनुसार अगर आप फोकस्ड माइंड के साथ बहुत ही प्रैक्टिकल होकर डिसाइड करेंगे लाइफ में सितंबर मंथ में, तो आगे का पूरा साल भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और उसके लिए आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है।